दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि पूरा बनारसी पैटर्न स्टाइल में बना हुआ है, फुल हेवी इसमें जरी का कॉम्बिनेशन है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये टोटली काम पूरा वीविंग मशीन पे ही होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं तो इसमें मीना वर्क किया हुआ है, पूरा रिच पल्लू का कॉम्बिनेशन है। साथ में यहाँ देखेंगे मीना वर्क के साथ बॉक्स की पूरी डिज़ाइन बनी हुई है, नीचे हेवी बॉर्डर दिया हुआ है। जो भी माल हमारे यहाँ से जाता है दोस्तों 100% इंश्योरेंस होके जाता है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट में माल चोरी हो जाए, ट्रांसपोर्ट में माल खो जाता है या डैमेज हो जाता है, उसका सारा क्लेम हम लोग आपको ट्रांसपोर्ट से लेके पूरा दिलवाते हैं। पहले दोस्तों सारा बनारसी पैटर्न बनारस से बन के आता था, लेकिन आज के टाइम में ये सब मशीनें सूरत में भी लग चुकी है, तो ये प्रोडक्शन सारा यहीं का है, टोटली सब यहीं हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये देखिए दोस्तों फुल हैवी डायमंड का काम किया हुआ है, पल्लू के ऊपर रिच पल्लू के साथ ये कॉम्बिनेशन है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने बताया डायमंड और मिरर वर्क अभी काफ़ी अच्छा ट्रेंड में चल रहा है सिल्क की साड़ियों में। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अजमेरा फैशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि सर सिल्क पे, सिल्क के आइटम जो नए डेवलप किए हैं उन पे कुछ वीडियो बनाई है, कुछ कलेक्शन हमें दिखाइए। सो दोस्तों आज जो मैं कलेक्शन आपको दिखाने वाला हूँ टोटली सिल्क और बनारसी साड़ीज़ का कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, जो कि लॉकडाउन के बाद में बहुत सारा अपडेट हुआ है। सो एक एक करके स्टार्ट करता हूँ कलेक्शन दिखाना, जिसमें कैटलॉग रेंज भी है, 4 कलर की रेंज भी है। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो भी सिल्क के आइटम आपको देखने को मिलेंगे टोटली सबकी लेंथ 6+ ही आपको मिलेगी, 6 से कम की रेंज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सब लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। जो प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा अगर आप नीचे रीसेल करेंगे उनको, तो कंज्यूमर आपके पास रिपीट ही आने वाला है दोस्तों। सो एक एक करके मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट करता हूँ सिल्क की रेंज में। फर्स्ट जो कैटलॉग दिखा रहा हूँ दोस्तों, रॉयल टच कैटलॉग है, जिसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे 8 कलर की पूरी रेंज है, 8 कलर का कॉम्बो आता है, पूरा डिफरेंट डिज़ाइन का कलेक्शन मिलेगा, डिफरेंट कलर मिलेंगे। इसमें जो वीविंग का काम रहेगा वो भी टोटली डिफरेंट रहेगा 8 साड़ीज़ में। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि पूरा बनारसी पैटर्न स्टाइल में बना हुआ है, फुल हेवी इसमें जरी का कॉम्बिनेशन है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये टोटली काम पूरा वीविंग मशीन पे ही होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। साथ में इसमें धागे का भी यूज किया हुआ है, पूरा बॉक्स पल्लू स्टाइल में पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, नीचे पूरा बेल स्टाइल का बॉर्डर है और फुल साड़ी में ये कॉम्बिनेशन है। दोस्तों इस कैटलॉग में मैंने जैसे आपको दिखाया पूरा 8 कलर का कॉम्बो है, पूरा कॉम्बो पाउच पैकिंग के साथ जाएगा, वो पैकिंग भी आपको दिखाऊँगा मैं। देखिए फुल हेवी जेकार्ड का इसमें ब्लाउज दिया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लाउज है इसके अंदर। नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ दोस्तों कैटलॉग है दिव्यांजलि, इसके अंदर दोस्तों जो कलर रेंज अवेलेबल है 6 कलर का ये कैटलॉग है। दोस्तों एक ही डिज़ाइन पर कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे टोटली डिफरेंट आपको मिलेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ये देखिए इस टाइप से ये 6 कलर का कैटलॉग है। इसके भी एक पीस में ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों पूरा इसमें रिच पल्लू का कॉम्बिनेशन है। साथ में आप देखेंगे जो कलर कॉम्बिनेशन पल्लू में यूज किया हुआ है उसी का पूरा बॉर्डर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। साथ में इसमें वीविंग के ही फिगर डिज़ाइन बनी हुई है, एलिफेंट हो गया, पिकॉक हो गया, इस टाइप से पूरा फिगर का डिज़ाइन बना हुआ है और पूरा जैसे आप देखेंगे थोड़ा सा लहरिया कॉन्सेप्ट इसको बोल सकते हैं आप। देखिए इसमें भी जो आप ब्लाउज़ देखेंगे फुल हैवी ब्लाउज़ दिया हुआ है, ये देखिए पल्लू कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही इसमें ब्लाउज़ दिया हुआ है ग्रीन कलर का। नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ दोस्तों ये कैटलॉग है सिल्क हिमानी, ये 6 पीस का पूरा कॉम्बो है, सिंगल डिज़ाइन है, 6 कलर डिफरेंट आपको इसमें मिलेंगे, इस टाइप से कॉम्बिनेशन आता है ये। इसका भी आपको सैंपल दिखाता हूँ, दोस्तों इसमें मीना वर्क किया हुआ है, पूरा रिच पल्लू का कॉम्बिनेशन है। साथ में यहाँ देखेंगे मीना वर्क के साथ बॉक्स की पूरी डिज़ाइन बनी हुई है, नीचे हेवी बॉर्डर दिया हुआ है।
दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमने माल ऑर्डर कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे जाएगा, क्या प्रोसेस रहती है। सो दोस्तों आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म बन के हमारे डिस्पैच डिपार्टमेंट में चला जाता है। डिस्पैच डिपार्टमेंट उसको पूरा पार्सल पैक करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसको ट्रांसपोर्ट में भिजवा देता है। जो भी माल हमारे यहाँ से जाता है दोस्तों 100% इंश्योरेंस होके जाता है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट में माल चोरी हो जाए, ट्रांसपोर्ट में माल खो जाता है या डैमेज हो जाता है, उसका सारा क्लेम हम लोग आपको ट्रांसपोर्ट से लेके पूरा दिलवाते हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना रहेगा, जो भी ट्रांसपोर्ट से आपको माल आया है और जब भी आप डिलीवरी रहे पूरा चेक करके डिलीवरी रहे, पार्सल फटा हुआ कटा हुआ नहीं हो, कहीं से कुछ निकला हुआ नहीं हो, पूरा चेक करके लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्सल कहीं खुला है या चोरी हुआ है, तो आप ट्रांसपोर्ट जो डिलीवरी करने आता है उसी के सामने उसको काउंट करके ले लें। फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग से नंबर दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट इंक्वायरी का। सो दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट जो कैटलॉग है ये पास्ता सिल्क करके है, इसमें 4 कलर का पूरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, 4 कलर का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ये इस टाइप से पूरा पीस आएगा जैसे आप देख पा रहे हैं फ़ोटो के अंदर। इसका भी सैंपल मैं आपको नज़र करवाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, चिट पल्लू के साथ पूरा हैवी मीना वर्क पूरा काम किया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं ग्रीन ब्लू एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन है। और ये 4 फीडर की डिज़ाइन है जिसमें 4 धागों का यूज किया है, एक जरी और 3 धागों का यूज हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं। इसका जो बेस है दोस्तों सिल्क बेस है, लीची बेस भी इसको बोल सकते हैं पूरा टोटली, जो आप देख पा रहे हैं। इसमें सिंपल सोबर रेगुलर ब्लाउज दिया हुआ है और स्लीव्स दी हुई है, ब्लाउज के लिए पूरा यहाँ स्लीव्स बॉर्डर दिया हुआ है। इस टाइप से ये पूरा कॉम्बिनेशन था। नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये लीची बेस के ऊपर है, ये भी पूरी कैटलॉग रेंज है, रिच पल्लू के साथ पूरा कॉम्बिनेशन है जैसे आप देख पा रहे हैं। जरी का काम है, नीचे हेवी जेकार्ड बॉर्डर दिया हुआ है। जेकार्ड बॉर्डर में भी आप देखेंगे पल्लू में अलग कॉम्बिनेशन है, स्कर्ट में अलग कॉम्बिनेशन है, पूरा फिगर का डिज़ाइन है। ऊपर बॉडी में जरी के छोटे छोटे बुट्टे बने हुए हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। इस टाइप से बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल है दोस्तों। इसमें रेगुलर ब्लाउज दिया हुआ है, इसका कैटलॉग भी आपको नज़र करवाता हूँ। जैसे इसमें 6 कलर की रेंज पूरी अवेलेबल है, ये पूरे 6 कलर आपको मिलेंगे एक डिज़ाइन के अंदर, पूरा पाउच पैकिंग के साथ आपको ये कॉम्बो मिलेगा। नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो भी रेपियर के ऊपर ही है, डायमंड बेस है इसका और फुल हैवी जाल के साथ भरी हुई डिज़ाइन है। चिट पल्लू की रेंज है ये जैसे आप देख पा रहे हैं, फुल डार्क कलर की रेंज है। नीचे बॉर्डर में अलग कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ऑरेंज कलर के बेस के साथ में जरी का काम है, यहाँ पे डार्क कलर की मैचिंग है। जैसे मैंने बताया ये पूरा लीची डायमंड फैब्रिक है। इसमें भी दोस्तों 4 या 6 कलर की रेंज है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैटलॉग के साथ में। देखिए ये स्लीव्स के लिए फुल बॉर्डर इसमें दिया हुआ है, ये 6 कलर की रेंज इसमें अवेलेबल है जैसे आप देख पा रहे हैं, फुल जाल वर्क के साथ में ये अवेलेबल है। इस टाइप से ये कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों। इसकी पैकिंग भी जो आती है फुल पाउच पैक होके जाता है, जो पैकिंग आपको मैं दिखाऊंगा अभी। बनारसी पैटर्न की कुछ साड़ियां आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी ट्रेंड में चल रही है बनारसी पैटर्न, काफ़ी अच्छा बनारसी पैटर्न आज के टाइम में ट्रेंड कर रहा है। पहले दोस्तों सारा बनारसी पैटर्न बनारस से बन के आता था, लेकिन आज के टाइम में ये सब मशीनें सूरत में भी लग चुकी है, तो ये प्रोडक्शन सारा यहीं का है, टोटली सब यहीं हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं फुल हैवी रिच पल्लू के साथ ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है बॉडी में, फिर जरी की छोटी छोटी बुटियाँ बनी हुई, आप बॉर्डर देखेंगे इसका फुल हैवी बॉर्डर है। और ये 2 पार्ट में साड़ी है, जैसे हाफ आप कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। आगे थोड़ा सा सोबर पल्लू है, पीछे जो स्कर्ट है बॉडी है फुल एकदम भरी हुई है जरी के साथ में जैसे आप देख पा रहे हैं। ये भी दोस्तों लीची बेस के ऊपर ही बना हुआ फैब्रिक है, ये इसका स्लीव्स का पूरा बॉर्डर दिया हुआ है दोस्तों। अभी के टाइम में डायमंड वर्क मिरर वर्क काफ़ी अच्छा ट्रेंड कर रहा है, पूरा बनारसी पैटर्न के ऊपर हैवी साड़ी कॉम्बिनेशन के साथ दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों फुल हैवी डायमंड का काम किया हुआ है पल्लू के ऊपर, रिच पल्लू के साथ ये कॉम्बिनेशन है जैसे आप देख पा रहे हैं।
जैसे मैंने बताया, डायमंड और मिरर वर्क अभी काफ़ी अच्छा ट्रेंड में चल रहा है। सिल्क की साड़ियों में फुल हेवी डायमंड का काम किया हुआ है। जैसे भी डायमंड भी आप देखेंगे, एक कलर का यूज़ नहीं किया हुआ है, जहाँ जैसे कलर की रिक्वायरमेंट थी और जहाँ जिस प्लेसमेंट पे इसको डिस्प्ले करना था उसी के अकॉर्डिंग पूरा डायमंड लगाया हुआ है। बुट्टे के ऊपर आप देखेंगे पूरा मीना वर्क का काम किया हुआ है, साथ में डायमंड का डिस्प्ले है। दोस्तों, सिल्क की साड़ियों का एक और फ़ायदा है, जितना अच्छा मार्जिन आप सिल्क की साड़ियों में ले सकते हैं उतना मार्जिन आप किसी और प्रोडक्ट में नहीं ले सकते। दोस्तों, यही सब साड़ियां मॉल के अंदर 3-4 गुने रेट में बिकती है। ये जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, आप कहीं भी मॉल में चेक कर लीजिएगा, 6,000, 7,000, 8,000 से नीचे कहीं भी ये प्रोडक्ट नहीं मिलने वाले। मैं जो आपको जिस कॉस्टिंग में दे रहा हूँ, इस टोटली मैन्युफैक्चरिंग रेट में दे रहा हूँ। दोस्तों, सिल्क की अगर रेंज की बात करूँ तो मेरे यहाँ 300 रुपये से स्टार्ट होकर 3,000 रुपये तक की रेंज में सिल्क अवेलेबल है। सो इस टाइप से दोस्तों प्रोडक्ट आपको मैंने दिखाया है, और भी बहुत सारी रेंज अवेलेबल है। एक बार मैं आपको इन सब प्रोडक्ट की पैकिंग भी नज़र करवाता हूँ। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आपको पूरा पाउच पैकिंग के साथ मिलेगा। इस स्टाइल से पूरा हमारा ब्रांडिंग का रहता है टोटली, जैसे आप देख पा रहे हैं। एकदम शानदार बैग मिलेगा, मार्केट में आप बैग देखेंगे बहुत घटिया तरीके के बैग आपको मिलेंगे। मेरे यहाँ से जो बैग जाएगा वो आपके यूजेबल होगा। और दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ईच एंड एवरी पाउच में आपको कैटलॉग मिलेगा और हर साड़ी के साथ आपको फ़ोटो मिलेगी, जिससे क्या है, आपको फोटो साड़ी ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कॉम्बिनेशन कैसा है, क्या कॉन्सेप्ट है, टोटली आपको फ़ोटो में ही नज़र आ जाएगा। तो इस टाइप से पूरा पाउच पैकिंग होके जाता है। इसमें भी दोस्तों कॉम्बो के हिसाब से हमने पाउच दिए हुए हैं, 6 पीस का 4 पीस का 8 पीस का 10 पीस का। जैसे आप देख पाएंगे, ये 8 पीस का पूरा कॉम्बो है जिसमें अलग साइज का पाउच दिया हुआ है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ इंक्वायरी है तो कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते।